आज माँ कुष्मांडा का दिन है, जो कुशा के तरह समान नम्र शीतल रहती हैं। माँ यहाँ विश्राम रूप में कुष्मांडा मंदिर में विराजमान है। माँ का यहाँ पे देखते कुंड भी है, स्नान कुंड माता का है। जैसे सभी देवी देवताओं का अपना अपना कुंड है, लेकिन माता रानी का भी यहाँ कुंड है। माँ यहाँ स्नान करके वहाँ जाता है। लोगों का अलग अलग प्रकार का मानना है कि जो भी मनोकामना पूर्ण चाहते हैं, कोई अड़हुल का माला नारियल लेके आए और हर मनोकामना अपनी पूर्ण करें। पूरे मंदिर प्रांगण में हर तरह का पूजा पाठ जाप हो रहा है। जो 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 मनोकामना लेके आते हैं उनकी पूर्ण हो जाता है। रात 12 बजे से ही लाइन लगा हुआ है भक्तों का, जो भक्त अपना इस यहाँ पे आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। पंचगव्य से आज स्नान हुआ है माता रानी का और स्वर्ण श्रृंगार हुआ है। माँ सृष्टि के रचिता तो हैं, तीनों देवता नाभिवास करे ऐसी माँ कुष्मांडा, कुशा की तरह समान, मैंने पहले भी बताया, ऐसी शांत मुद्रा में माँ यहाँ विराजमान है। चंदन दुबे जी ने, संजय दुबे जी ने आज माँ का भव्य श्रृंगार किया है और रात से ही देख रहे लाखों की भीड़ में लोग दर्शन कर रहे हैं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। आज माँ कुष्मांड दुर्गा, कुष्मांड मतलब नारियल होता है और कुष्मांड मतलब जो सारे ब्रह्मांड को अपने में समा ले वो कुष्मांड, और दुर्गा जो कि इनका नौ स्वरूप में दर्शन होता है। आज माँ कुष्मांड दुर्गा का दर्शन है और आज माँ का 2:30 बजे मंगला करके 3 बजे सभी दर्शनार्थियों के लिए पंचामृत पंचगव्य से माँ का स्नान करा के और मोती की मालाओं से आज माँ का श्रृंगार किया गया। माँ कुष्मांड दुर्गा ने काशी के राजा जो कि राजा सुदर्शन थे उनको यहाँ पे दर्शन दिया था और उनके लिए यहाँ पे युद्ध लड़ा था और आज के दिन यहाँ दर्शन करने का विशेष महत्व है। आज माँ को हलवा चना पूड़ी और नारियल इसका भोग लगता है। दोपहर में आज मंदिर में भंडारा भी होगा। देखिए इसकी तो कोई गिनती नहीं है, पर जब से माँ का दर्शन के लिए लोग रात से ही मंदिर में दर्शन करने के लिए बैठे थे, जब से मंदिर माँ का खुला है तब से लोगों की कतार लगी हुई है।